Welcome to Motor World India, and the car with me today is the all new Honda Amaze. इसकी हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इसकी हम लॉन्ग टर्म रिव्यू कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू ये होता है कि हम गाड़ी के साथ में लाइक वी हैव द कार फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एक होता है नॉर्मल रिव्यू, एक होता है लॉन्ग टर्म रिव्यू। द लॉन्ग टर्म रिव्यू में हम यू नो वी यूज़ द कार फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसको हम यूज़ करते हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिए, वी टेक इट द शॉपिंग मॉल, मे बी आर ऑफिस पिकअप ड्रॉप करना है, हमारे डेली एक्टिविटीज़, हमारे लाइफ के डेली एक्टिविटीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एंड वी गेट यू अ लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो दिस इज़ द ऑल न्यू होंडा अमेज। लेट मी टेल यू मोर अबाउट द होंडा अमेज। दिस इज़ द ऑल न्यू जनरेशन होंडा अमेज दैट वॉज लॉन्च्ड इन 2018। ये 2018 में लॉन्च हुई थी। होंडा ने ये गाड़ी दिखाई थी ऑटो एक्सपो में इसके पहले, एंड इट वॉज रिसीव्ड वेरी वेल। इनके जो ग्लोबल हेड है वो यहाँ पे आए थे, एंड ही हैड हिमसेल्फ अनवेल्ड द होंडा अमेज, एंड एट द सेम टाइम न्यू सिविक भी दिखाई थी वहाँ पे। ये होंडा अमेज जो 2013 में लॉन्च हुई थी, जो इसकी पहली जनरेशन थी, दैट वॉज ऑल्सो रिसीव्ड वेरी वेल। वो गाड़ी वॉज द फर्स्ट कार फ्रॉम द होंडा लाइनअप टू गेट द डीजल इंजन। होंडा में पहले डीजल इंजन नहीं था, लेकिन जो इसका पहला जनरेशन अमेज था उसमें फर्स्ट टाइम डीजल इंजन आया था। तो हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, ये डीजल वेरिएंट है, आईडीटेक इंजन 1.5 लीटर वाला जो होंडा का इंजन है विद 100 पीएस ऑफ पावर, एंड दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड वर्जन। ये दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द इंजन ऑल्सो। आपको बताते हैं इसके बारे में, लेटेस्ट टॉक अबाउट द एक्सटीरियर्स। आपको बताते हैं इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो टिपिकल होंडा है, पेंट क्वालिटी फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके जो बॉडी पैनल्स हैं, इसके जो इसका जो सिमेट्री है वो काफ़ी एक यू नो जैपनीज लुक देता है। यू हैव दिस टिपिकल जैपनीज लुक टू इट, यू हैव अ फ्लैट डिज़ाइन गोइंग। इसका फेस काफ़ी फ्लैट है, इसमें जो होंडा का विंग क्रोम जो ग्रिल है वो है। यू हैव अ नाइस इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स, ये स्विफ्ट बैक वाला है। इसमें इसमें DRLs भी आते हैं, बम्पर में एक शार्प सा एक लोअर स्पॉइलर भी है, दैट यू नो गिव्स अ वेरी स्पोर्टी लुक टू द फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। बिल्ड क्वालिटी एज आई सेड इज़ वेरी इम्प्रेसिव। फ्लैट बॉनेट ओवर ईयर, इसमें आपको कैरेक्टर लाइंस मिल जाते हैं दैट फ्लो बैक। साइड्स भी काफ़ी फ्लैट है इफ़ यू आस्क मी। इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो एक टिपिकल जैपनीज कार का है, प्रॉपर सेडान। नोवेयर ये आपको लगता है कि ये कोई छोटी गाड़ी है, इट गिव्स अ वेरी बिग ग्रोन अप यू नो कार का लुक देता है। अगर टायर की बात करें तो दिस इज़ द टॉप एंड वेरिएंट। इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, आपको R15 के टायर्स मिल जाते हैं। R16 के टायर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मे बी होंडा ने उसको रिजर्व किया हुआ है अपने अपग्रेड के लिए। ये आपके ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं 175/65 R15। दीज आर ब्रिजस्टोन टायर्स, और दिस हैव सर्व्ड मी वेरी वेल। कोई कंप्लेंट नहीं है। दिस कार हैज़ बीन विद मी लाइक थ्रू सम रेन, थ्रू मानसून इन मुंबई, एंड इट हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। काफ़ी अच्छा सा एक फील दे रहा है ये गाड़ी। साइड्स आप देखेंगे तो यू हैव अ वेरी शार्प वेस्ट लाइन, ये आपको एक यू नो एक वेरी शार्प एक क्रीज देता है, एंड अगेन यू हैव अ वेरी शार्प ग्लास एरिया, काफ़ी लार्ज सा ग्लास एरिया है। रूफ इज़ अगेन वेरी सिंपल, डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी सिंपलिस्टिक है बट वेरी प्रैक्टिकल है। शार्क फिन एंटेना भी है इसमें। रेयर की बात करें तो यू हैव अगेन अ वेरी फ्लैट रेयर एंड लाइक द फेस की तरह, ये इसका रेयर भी काफ़ी फ्लैट है। इंटीग्रेटेड सी टाइप टेल लैम्प्स है इसमें, ये एक्सटेंड होते हैं बूट लिड में, एंड दिस यू नो द रेयर एंड इसका काफ़ी अलग है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो यू नो यू कांट मिस्टेक इन इट फॉर एनी अदर कार। ये आपको एक टिपिकल होंडा अमेज, जो न्यू जनरेशन होंडा अमेज है,
उसका आपको ये एक मतलब रिमाइंड देगा, आपको ये याद करवाएगा। अगर आपको याद है तो ओल्ड जनरेशन जो अमेज था, जो ब्रियो के प्लेटफॉर्म पे बेस था, दैट वाज यू नो वेरी राउंडेड, वो काफ़ी गोल गोल सा था एंड इट लुक्ड अ बिट यू नो नाउ इट लुक्स अ बिट डेटेड। अगर आप इसको देखें तो दिस लुक्स वेरी ट्रेंडी, ये काफ़ी ट्रेंडी दिखता है फ्रॉम ऑल द एंगल्स। एंड एज आई सेड फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है इसका। ओवरऑल जो स्टाइलिंग है, जो टिपिकल होंडा का ट्रेडमार्क्स है, जैपनीज कार है। एंड यस, ये होंडा अमेज यू नो अगर आप मुझे पूछे तो बाहर से काफ़ी अच्छी दिखती है एंड इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। एक फीचर जो कीलेस एंट्री एग्जिट है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है होंडा अमेज में। कीलेस फीचर तो होता है कि यू नो यू हैव टू गो एंड प्रेस दिस बटन ओवर हियर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन होंडा अमेज में काफ़ी डिफरेंट है, यू हैव द बटन ऑल्सो। इसके अलावा यू जस्ट वॉक टू द कार, आपके जेब में अगर चाबी है, रिमोट है, यू जस्ट ओपन द डोर, यू हर्ड द बीप, दैट्स हाउ द कार यू नो ओपन्स अप, अनलॉक्स। तो ये काफ़ी यूनिक एंड यू नो अगर आपके हाथ में कोई सामान है, कुछ है एंड योर वन हैंड इज ऑक्यूपाइड एंड यू कांट गेट द की आउट, तो यू जस्ट नीड टू पुल ओपन द डोर एंड द कार अनलॉक्स फॉर इटसेल्फ। आइए चलते हैं अब होंडा अमेज के अंदर, लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड आपको बताते हैं इसका इंटीरियर कैसा है, हमें क्या पसंद आया, व्हाट कुड बी बेटर, व्हाट इज मिसिंग। चलिए अंदर चलते हैं। फॉर स्टार्ट आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, ये टिपिकल होंडा स्टाइल का जो बीप है वो आ जाता है बिकॉज टू वॉर्न यू कि कार स्टार्ट हो गया है, सीट बेल्ट लगा लो एंड ऑल दोस थिंग्स। इंस्ट्रूमेंटेशन आप देख रहे हैं वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है। अगर आप इंटीरियर्स की बात करें तो आपको एक टिपिकल होंडा का एक डैशबोर्ड मिल जाता है, आपको एक नीट ग्लॉसी सा इंसर्ट मिल जाता है, क्रैश पैड पे भी आपको ये जो लेदर फिनिश है, ये जो प्लास्टिक है लेकिन इट हैज़ दिस लेदर का फिनिश, काफ़ी इम्प्रेसिव है। ड्यूअल टोन का डैशबोर्ड है, लोअर सेक्शन बीच कलर का होता है। होंडा अमेज में अगर आप नीट टचेस की बात करें तो आई लाइक पर्टिकुलरली ये जो मेटल फिनिश जा दिया हुआ है, ये जो बैंड दिया हुआ है एसी वेंट्स के यू नो सराउंड में, ये यू नो काफ़ी एक सूदिंग सा फील दे देता है, एक प्रीमियम फील। क्लाइमेट कंट्रोल के जो यूनिट है उसके सराउंड में भी दिया हुआ है ये मेटल फिनिश एंड दिस ऑल्सो कंटिन्यूज ऑन द साइड ऑफ द एसी वेंट्स ओवर हियर। दिस गिव्स अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड अ वेरी वेरी प्रीमियम फील टू द कैबिन। आपको एक AVN सिस्टम मिल जाता है विच इज़ ऑफ द लास्ट जनरेशन होंडा सिटी में, इसका लेटेस्ट जनरेशन वाला AVN सिस्टम है, बट देन ये दिस डज इट्स जॉब वेरी वेल। ऑल द कनेक्टिविटी फीचर्स है इसमें, आपको एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो एंड यू कैन ऑल्सो हैव योर ब्लूटूथ फ़ोन कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह। सिंगल जोन AC कंट्रोल है इसमें, क्लाइमेट कंट्रोल एंड अभी आप यू नो ऑन 24-25 पे भी ये काफ़ी कूलिंग करता है। रिमाइंड यू कि इसका इसमें रेयर AC वेंट्स नहीं है, इसीलिए इसका AC इज़ वेरी पावरफुल ताकि पूरा कैबिन को कूल कर सके। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको एक 4-स्पीकर साउंड सिस्टम मिल जाता है, अभी ये रेडियो प्ले हो रहा है एंड आई होप वी हैव सिग्नल हियर। काफ़ी डिसेंट सा ये ऑडियो क्वालिटी है, नथिंग टू शाउट अबाउट, बट देन काफ़ी इम्प्रेसिव है ये फॉर योर डेली यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं यू हैव फ़ोन कनेक्टिविटी, आपको एक इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाता है। इफ़ यू डोंट हैव मोबाइल नेविगेशन, आपको इसका यूज़ करना है विदाउट कनेक्टिंग योर फ़ोन, यू कैन डायरेक्टली यू नो स्विच ऑन टू द नेविगेशन। ये इनबिल्ट है और ये फ्री है, यू डोंट नीड टू सब्सक्राइब टू इट एज ऑफ नाउ। कनेक्टिविटी फीचर्स में व्हेन यू कनेक्ट योर एप्पल डिवाइस, आपका आईफोन या एंड्रॉयड, तो ये ग्लो करेगा। अभी हम फ़ोन से शूट कर रहे हैं इसके लिए वी कांट शो यू दैट। ब्लूटूथ ऑडियो भी है इसमें, फ़ोन कनेक्टिविटी है एंड यू हैव वीडियो एंड फोटो। काफ़ी इम्प्रेसिव सा ये सिस्टम है एंड इसके जो सराउंड में ये जो ग्लॉसी फिनिश है, दिस इज़ अ डस्ट मैग्नेट, आप देख सकते हैं इस पर डस्ट काफ़ी ईजिली अट्रैक्ट होता है। आई थिंक ये दिस कुड हैव बीन बेटर, बट देन नो कंप्लेंट्स, आई एम वेरी हैप्पी विद द AVN सिस्टम ऑन द अमेज।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी सिंपल सा एक टिपिकल होंडा स्टाइलिंग वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विद ड्यूअल मैनुअल यू नो मैकेनिकल आरपीएम एंड स्पीडोमीटर. बीच में एक आपको एमएफडी डिस्प्ले मिल जाता है, वो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, टेम्परेचर, फ्यूल इन द टैंक एक्सेट्रा, यू नो योर ट्रिप मीटर्स, सब कुछ, टाइम वगैरह वगैरह, टेम्परेचर बता देता है. इसके अलावा इफ़ यू आस्क मी, ये डिस्प्ले इज़ क्वाइट सिंपल टू रीड, काफ़ी ईजी है फॉर योर डे ड्राइविंग, नाइट ड्राइविंग. इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी आसानी से ये यू नो यू कैन गेट ऑल योर रीडिंग्स ऑन द गो. अगर स्टेयरिंग की बात करें तो दिस इज़ अ थ्री स्पोक डिज़ाइन, काफ़ी सिंपल सा ये स्टेयरिंग है. इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड यू ऑल्सो हैव क्रूज कंट्रोल. ये काफ़ी अच्छा फीचर है एंड अगर आप यूज़ करते हो तो. एंड इसके अलावा देर इज़ नो लेदर रैप, ये एक नॉर्मल सा प्लास्टिक सा ये यू नो प्लास्टिक फीबर फिनिश वाला स्टेयरिंग है. काफ़ी फील अच्छा है इसका, ग्रिप अच्छा है, साइज़ काफ़ी अच्छा है एंड यू नो नथिंग अगेंस्ट द स्टेयरिंग का जो डिज़ाइन या ये इसका अपीयरेंस है, इट्स क्वाइट गुड. इन द स्टेयरिंग, ये स्टेयरिंग में आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है मैनुअल, रीच का एडजस्ट नहीं है लेकिन द कम्फर्ट लेवल इज़ प्रिटी गुड ऑन द स्टेयरिंग. आपका अगर आप स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज की जगह काफ़ी है इसमें. यू गेट ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे एंड आपको यहाँ पे यू गेट अ मोबाइल होल्डर, कनेक्टिविटी के आपके सारे कनेक्शंस यहाँ पे, आपके यूएसबी कनेक्शंस मिल जाते हैं एंड यू ऑल्सो हैव अ पावर आउटलेट ओवर हियर. ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है इफ़ यू आस्क मी, काफ़ी ठीक सा है. देर इज़ नो लाइट, देर इज़ नो इल्यूमिनेशन इनसाइड द ग्लव बॉक्स, लेकिन इट्स गुड इनफ. क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. इफ़ यू हर्ड द क्लिक, ये जो क्लिक एक्शन है ये काफ़ी यू नो इट गिव्स यू अ वेरी रीअश्योरिंग सा एक फील दे देता है. ये होंडा अमेज की डीजल मैनुअल वेरिएंट है. इसमें आपको एक 5 स्पीड मैनुअल शिफ्टर मिल जाता है एंड जो आप देख रहे हैं अभी, ये काफ़ी सिंपल सा एक शिफ्टर है. आई थिंक दे कुड हैव गिवन समथिंग बेटर. इसका जो शिफ्टर लीवर है, दे कुड हैव मेड इट अ बिट बेटर, बट ठीक है. अगर हम सीट की बात करें होंडा अमेज में, द न्यू होंडा अमेज में, तो फिर पुराने होंडा अमेज में यूज टू गेट अ वेरी थिन सीट्स, काफ़ी कॉस्ट कटिंग था उसमें, ऐसे लोगों ने बताया था, कस्टमर ने बताया था. बट ऑन द न्यू होंडा अमेज द सीट्स आर वेरी प्रीमियम. द कुशनिंग, द पैडिंग, द फैब्रिक, द क्वालिटी, द फिनिश, द शेप काफ़ी अच्छा है. मुझे काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है इन द ड्राइवर सीट एंड पिछले वाले जो सीट थे जो होंडा अमेज में, उसमें यूनिफाइड हेडरेस्ट थे, सीट के साथ में अटैच थे हेडरेस्ट. इसमें यू हैव दिस मैनुअल एडजस्ट फॉर द हेडरेस्ट. कंफर्ट लेवल इज़ प्रिटी गुड लोअर बैक के लिए, मेरे लंबर के लिए, यू नो आई एम फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल ऑन द सीट. अगर आप देखें तो हेडरेस्ट का जो एंगल है, जो अपर बैक का जो पैडिंग है ओवर ईयर, ये जो पैडिंग है ये काफ़ी इम्प्रेसिव है. आप सीट के साइज से ही मतलब यू नो यू कैन सी द पैडिंग, ये काफ़ी भरा हुआ सीट है एंड इफ़ यू आस्क मी इट इज़ क्वाइट प्रीमियम. ये काफ़ी प्रीमियम है फॉर द क्लास, फॉर द क्लास एंड द सेगमेंट. टिपिकल होंडा का जो कंफर्ट लेवल्स हैं वो है इस सीट में. इसके पहले कि हम आपको आगे बताएं होंडा अमेज के हमारे लॉन्ग टर्म के बारे में, आपको मैं याद दिलाऊंगा कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे YouTube को, हमारे वेबसाइट को फॉलो करना है. मोटर वर्ल्ड इंडिया नाम है हमारे चैनल का. आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है फॉर ऑल द लेटेस्ट ऑटो न्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड. स्टोरेज की बात करते हुए आपको काफ़ी सारा एक यू नो बॉटल होल्डर मिल जाता है आपके डोर में. दिस कैन होल्ड यू नो मोर देन जो आपके 1 लीटर 1.5 लीटर के जो बॉटल्स होते हैं पानी के, उससे भी बड़े बॉटल्स को ये होल्ड करता है, हमने इसमें फिट किया हुआ है. इसके अलावा देयर इज़ मोर स्पेस, यहाँ पे भी आपको यू कैन कीप योर मोबाइल, यू कैन कीप योर कीज़. फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है. ओनली ड्रॉबैक इज़ दैट कि ये स्विच जो है इसमें आपको बैकलाइट नहीं मिल जाता है. आई थिंक दे कुड हैव गिवन बैकलाइट इन दैट इन द स्विचेस. ये रात को ग्लो नहीं करते
लाइक मे बी सम अदर कार्स. ये जो ग्लॉसी फिनिश है ये कंटिन्यू होता है आपके डोर पैनल्स में एंड इट गिव्स अ वेरी गुड वेरी कंफर्टिंग सा एक फील देता है, प्रीमियम फील देता है. अगेन वो जो आपका डैशबोर्ड का ड्यूअल टोन इफेक्ट है वो यहाँ पे बरकरार है. यू हैव अ वेरी नाइस प्रीमियम फील. अगेन यू हैव दिस लाइट कलर ओवर हियर, इसके बाद में ब्लैक आ गया, लाइट कलर आ गया, अगेन ब्लैक आ गया एंड अगेन यू हैव अ बेज यू नो फिनिश ऑन द रूफ. तो यू नो इट गिव्स यू अ वेरी वेरी डिफरेंट कलर स्कीम. अगर एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो यू गेट योर डोर हैंडल्स ऑन ऑल द डोर्स सारे इंक्लूडिंग द ड्राइवर साइड पे भी जो है इस पे भी आपको ये हैंडल मिल जाता है. आपको सीट बेल्ट के लिए हाइट एडजस्ट नहीं मिलता. आई गेस दिस शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द फीचर बट ठीक है. इसके अलावा रेयर व्यू मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग वाला नहीं है, ये मैनुअल डिमिंग है बट इट्स गुड. इसका साइज़ काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे मिसिंग जो है वो है आपका कैबिन लाइट. उन्होंने लाइट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है सेंटर ऑफ द रूफ विच आई वुड हैव लाइक्ड यू नो लाइट टू बी हियर. यहाँ पे अगर लाइट होता और पीछे भी होता तो यू नो इट वुड हैव बीन मच बेटर. लेकिन नो कंप्लेंट्स बट देन दिस इज एन ऑनेस्ट फीडबैक. दूसरी बात जो मिसिंग है वो है वैनिटी मिरर का लाइट. इसमें वैनिटी मिरर ज़रूर है लेकिन देर इज़ नो इल्यूमिनेशन. आई थिंक ये काफ़ी जो लेडीज़ जो पैसेंजर्स हैं वो मिस करेंगी. अगर पार्टी में जाना है अपना फेस चेक करना है, मतलब यू नो यू जस्ट नीड टू चेक एंड यू नो बिफोर यू लीव द कार, तो रात के टाइम पे खास करके यू नीड दैट लाइट ऑन द वैनिटी मिरर. होंडा अमेज में डेड पेडल तो नहीं है लेकिन यू गेट अ प्लेस स्पेस फॉर योर फीट. आपको एक लेफ्ट में अगर आप देखें तो एक आपको एक जगह मिल जाती है टू कीप योर फीट. पेडल का साइज़ इज़ ओके, प्रिटी डिसेंट. काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा नहीं है एंड कंफर्ट लेवल ऑन द पेडल्स आर फॉर योर फीट आर क्वाइट गुड. आपको बताया फ्रंट सीट्स और कनेक्टिविटी और जो कंफर्ट लेवल है इसके बारे में. अब चलते हैं पीछे, लेट अस चेक आउट द रेयर कंफर्ट लेवल ऑन द ऑल न्यू होंडा अमेज. इसका डोर तो काफ़ी बड़ा है. यू गेट दिस नाइस एंगल ओवर हियर. ये जो है ये एंगल की वजह से यू गेट यू नो अ मच मोर वाइडर एंट्री एरिया. ये जो पार्ट यहाँ पे है एंड यस द कार का हाइट इज नॉट वेरी टॉल, नॉट वेरी लो, तो आई थिंक इट इज pretty easy to get in. मैं आ गया अंदर. I'm sitting inside on the rear seat. ये seat set हुआ है मेरे height के हिसाब से. I am 5'6", 5'7" and leg space काफ़ी सारा है. Here it is. This is the ये leg room है. फिर भी जैसे कि आप देख रहे हैं leg room काफ़ी अच्छा है. I can put my leg you know inside them down there. अगर ऊपर करना था ऊपर रखूं. काफ़ी सारा लेग रूम है, शोल्डर रूम काफ़ी ज़्यादा है, हेड रूम इज़ ऑल्सो गुड. आई एम 5'6", 5'7" आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ. मैं कंफर्ट लेवल फॉर माय हाइट एंड मे बी फॉर एन एवरेज इंडियन हाइट इज़ वेरी गुड. ओनली थिंग दैट आई मिस्ड, मैं अगर एक चीज़ को मिस करता हूँ तो वो है माय हेडरेस्ट. ये फिक्स्ड हेडरेस्ट है. आई गेस अगर मैनुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता तो कंफर्ट लेवल को यू नो इट वुड हैव बीन मच मोर बेटर. चार चांद लगा देता. अगर आप दो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं पीछे के सीट में तो आपके कंफर्ट लेवल को एनहांस करने के लिए फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स. इसे यू कैन यू नो एक्सटेंड योर कंफर्ट लेवल आपके एल्बोज को इस पे कंफर्टेबली प्लेस करके पीछे के दो पैसेंजर्स को यू नो काफ़ी कंफर्ट मिल जाता है. अगर आप मेरी फेवरेट फीचर की बात करें पीछे तो यू गेट दिस बॉटल होल्डर ओवर हियर. इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है और इसके अलावा इसका जो फ्लोर है वो फ्लैट है. दिस इज़ क्वाइट फ्लैट. इससे क्या होता है कि अगर थर्ड पैसेंजर बीच में बैठ रहा है तो उसको अपने पैर रखने का जो कम्फर्ट है वो एकदम अच्छा मिलेगा. हिज फुट विल बी यू नो क्वाइट फ्लैट ऑन द फ्लोर. अगर सेफ्टी की बात करें तो होंडा अमेज में ड्यूअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, इसमें ABS EBD मिल जाता है. इसके अलावा यू ऑल्सो गेट रेयर पार्किंग सेंसर्स एंड यू ऑल्सो गेट अ रेयर पार्किंग कैमरा
एंड आपको इसमें यू ऑल्सो गेट आइसोफिक्स चाइल्ड पॉइंट्स, चाइल्ड सीट पॉइंट्स, इसमें आपको ये मिल जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, एंड विच कम्स वेरी हैंडी अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आपको उसको उसका उसका सीट फिट करना है जो जो कि नॉर्म्स है आजकल सेफ्टी के हिसाब से, तो दिस कम्स लोडेड विद इट। फ्रंट डोर के जैसे आपको पीछे के डोर में भी एक काफ़ी बड़ा सा एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, यू ऑल्सो गेट सम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस ओवर ईयर। यस आई गेस स्टोरेज के हिसाब से होंडा अमेज में काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस हैं, काफ़ी सारे कबी होल्स हैं, काफ़ी सारे बॉटल होल्डर्स हैं, एंड कंप्लेंट्स तो कुछ नहीं है इस डिपार्टमेंट में। स्टोरेज स्पेस की बात करते हुए बूट कैपेसिटी को हम नहीं भूलेंगे, तो होंडा अमेज में आपको 420 लीटर का बूट कैपेसिटी मिल जाता है। इसका ओपनिंग कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम द की फॉब, ये आपके रिमोट जो है चाबी वाला उससे भी खुल सकता है, ये ऐसे खुलता है, एंड इसका ओपनिंग काफ़ी वाइड है अगर आप देखें तो, इसका जो बॉडी का शेप है उसके हिसाब से इट इज़ क्वाइट वाइड। आपको याद दिला दूँ ये 420 लीटर का स्टोरेज है, बूट है, डिक्की जो उसको बोलते हैं वो है, ये आपके साइड में भी आपको जगह मिल जाता है, ये काफ़ी डीप है स्टोरेज, ये आपको दिस कैन स्टोर लॉट ऑफ लगेज, अगर मेरा अंदाज़ सही है तो 1, 2, 3, 4, 5 बैग्स इसमें आराम से आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। आपको एक दूर का व्यू दिखाता हूँ इसके बूट एरिया को, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, काफ़ी डीप है ये, एंड इट कैन होल्ड लॉट ऑफ लगेज। अगर इंजन की बात करें तो ये होंडा का 1.5 लीटर iDTEC डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर वाला, इसमें आपको 100 PS ऑफ पावर मिल जाता है, दिस कम्स विद अ 5-speed मैनुअल जो हम चला रहे हैं, इसके अलावा आपको एक CVT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। वी लाइक इंजन जिसके इंजन कवर होता है, इट लुक्स क्वाइट इम्प्रेसिव, इट लुक्स क्वाइट यू नो कम्प्लीट, तो यस ये इंजन कवर है अर्थ ड्रीम्स वाला, क्वालिटी जो है टिपिकल होंडा का है जो आपको हम बताएंगे, इसको हम शॉर्ट स्पिन पे ले जाएंगे, वी विल लेट यू नो हाउ इट ड्राइव्स, हमने इसको चलाया है काफ़ी लंबा, अभी आपको हम बताएंगे वीडियो पे ये कैसी चलती है। आइए आपको बताते हैं ये अमेज डीजल कैसी चलती है, लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट स्पिन। होंडा अमेज की जो पहली वाली जो डीजल इंजन आई थी, दैट वाज द फर्स्ट डीजल इंजन होंडा फॉर इंडिया, उनका इसके पहले दे डिडंट हैव एनी डीजल इंजन ऑन देयर लाइनअप, तो वो इंजन में काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थे, इट वाज नॉइजी, उसका जो नॉइज़ लेवल्स था वो काफ़ी हाई था, एंड दैट ऑल्सो कंटिन्यूड ऑन द ओल्ड सिटी द सेम कंप्लेंट्स, फीडबैक बोल दो या कंप्लेंट बोल दो, लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो ये जो सेकेंड जेन वाला जो होंडा अमेज है इसका डीजल इंजन है वो सुपर साइलेंट है, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉइजलेस, काफ़ी एक रेवोल्यूशन है उसके डीजल टेक्नोलॉजी में, विच इज़ अगेन BS6 वाला BS6 नॉर्म्स को कॉम्प्लाई करता है एज विद ऑल द कार्स टुडे। सस्पेंशन सेटअप अभी हम काफ़ी ख़राब रास्ते पे जा रहे हैं, एज यू कैन सी काफ़ी अच्छा है सस्पेंशन सेटअप, इसका जो ओवरऑल फील है वो काफ़ी ही पॉजिटिव है, एंड ऑल आई कैन से इज दैट थम्स अप टू होंडा फॉर दिस यू नो फॉर द न्यू सेकेंड जनरेशन अमेज एंड फॉर द न्यू इंजन। अब हम आ गए हैं ऑन बेटर रोड, पहले हम ख़राब रास्तों पे थे, सस्पेंशन चेक कर रहे थे, आपको बता रहे थे, नाउ वी आर ऑन प्रॉपर टारमैक। इसका इंजन जो है वो काफ़ी पावरफुल है, 100 PS का पावर है इसमें एज आपको बताया था मैंने, एंड क्लच काफ़ी लाइट है, दैट इज़ वन ऑफ द की हाईलाइट्स दैट आई लाइक्ड, मुझे जो पसंद है इसके डीजल मैनुअल में होंडा अमेज के। स्टेयरिंग फीडबैक भी काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, देर इज़ नथिंग टू कंप्लेंट अबाउट, इसका जो ओवरऑल फीडबैक है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव दिस स्पेशल इको मोड, अगर आप ट्रॉटल ज़्यादा ना करो, यू मेंटेन योर एक्सेलरेटर, अगर आप उसको अगर प्यार से ध्यान से एक्सेलरेट करो तो आपका यहाँ पे इको का लाइट ग्लो हो जाएगा,
दैट मीन्स दैट द कार इज गिविंग यू अ वेरी गुड माइलेज. वो आपका आपका पेट्रोल आपका डीजल बचा रहा है. इट इज़ सेविंग योर फ्यूल. टर्निंग रेडियस भी इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइट है. 5.5 मीटर्स का इसका टर्निंग रेडियस है. एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने काफ़ी टाइट टर्न कर दिया यहाँ पे. गोइंग अहेड एक्सेलरेशन इसका इज क्वाइट बैलेंस्ड, क्वाइट लीनियर है. वंस यू आर इन द पावर बैंड द कार गोज अहेड वेरी इम्प्रेसिवली. ये काफ़ी काफ़ी फास्ट एक्सेलरेट करता है. जैसे कि आप देख रहे हैं, वी आर डूइंग गुड स्पीड्स अराउंड 60-80 किलोमीटर्स पे आ गए हम. अगर आप मेरी बात माने तो माई टिप वुड बी कि आप इसको प्यार से चलाओ इको मोड में. 24/7 किलोमीटर्स का माइलेज का क्लेम है इसका. होंडा क्लेम करती है ओवरऑल फ्यूल इफिशेंसी ऑफ द डीजल ऑफ 24.7 किलोमीटर्स पर लीटर. हमें ऑन आवर डेली टेस्ट रन्स, अगर आप यू नो ट्रैफिक की बात करें, सिटी की बात करें, मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस की बात करें, तो हमें इसमें राउंड अबाउट 18-20 किलोमीटर्स ईजीली मिल रहा है. एंड दैट इज़ द की हाईलाइट ऑफ द डीजल अमेज. इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो इसका माइलेज है, वो काफ़ी अच्छा है. पावर काफ़ी फूट फूट के भरा है इस इंजन में. एंड जैसे कि अभी अब मुझे ओवरटेक करना है, तो आई जस्ट गो डाउन वन गियर एंड आई गो अहेड. ये काफ़ी इजी है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है. पावर लैग आपको नहीं मिलेगा. 5-speed ट्रांसमिशन है इसमें, मैनुअल, ऑटोमेटिक भी आता है. एंड या इट इज़ फन टू ड्राइव. टिपिकल होंडा के का जो ड्राइव ट्रेट्स है वो आपको इसमें मिल जाएगा. एक प्रीमियम सा ड्राइव फील मिल जाता है इसका. जो आपको मैंने बताया, सस्पेंशन इज क्वाइट गुड एंड वो आपके हाईवे के ड्राइव पे भी आपको असिस्ट करता है, वो शाइन करता है. होंडा अमेज यू नो अक्सर मानी जाती है वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स, वन ऑफ द प्रीमियम, अगर आप मुझे बोले पूछे तो, इन द सेगमेंट. अगर वो कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आता है तो होंडा अमेज इज अ प्रिटी सेफ बेट. इट गिव्स यू ऑल द कम्फर्ट, ऑल द सेफ्टी फीचर्स एंड इसमें स्पेस काफ़ी सारा है. अगर इन गियर एक्सेलरेशन की बात करें तो लेट अस चेक दैट आउट. अब हम सेकंड गियर में गए हैं, डाउनशिफ्ट किया है. काफ़ी पावर है. ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है. वी आर ऑन अ स्पीड ब्रेकर, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है. ABS आता है इसके ब्रेक के साथ में एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स. इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है. अगर आप लोग क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करते हो तो इट इज़ यू नो कि इट्स अ वेरी गुड फीचर. जो यूज़ नहीं करते, आई वुड ऑल्सो यू नो आस्क देम टू यू नो गेट यूज टू दिस फीचर. अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आपने एक स्पीड लॉक कर दिया उसमें, एंड वंस यू लॉक द स्पीड, द कार विल ड्राइव इन दैट स्पीड. अगर आपने आपका पैर हटा दिया एक्सीलेटर से, तो वही स्पीड पे वो कार द कार ड्राइव अहेड. लॉक हो जाता है वो स्पीड में अनटिल एंड अनलेस यू प्रेस द ब्रेक और द एक्सेलरेटर. काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हमें पूछते हैं कि कार का हॉर्न कैसा है, तो वेल होंडा अमेज का हॉर्न ऐसा है. नॉट बैड, प्रिटी गुड. अब वक्त आ गया है होंडा अमेज को हमें अलविदा कहना पड़ेगा. हम इसे ज़रूर मिस करेंगे. इट हैज़ बीन अ वेरी गुड कंपेनियन. ये हमारा साथी रह चुका है. अगर आप मुझे पूछे तो टू सम इट अप, होंडा अमेज इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी गुड कार इन इट्स सेगमेंट. अब विद ऑल न्यू होंडा अमेज, होंडा ने सारे उसके जो नुक्स थे या कंप्लेंट्स थे या फीडबैक्स थे उसको नज़र में रखते हुए उसको इम्प्रूव किया है. उसको इट हैज़ टेकन द कार द मॉडल 2-3 levels अप. द कार लुक्स वेरी नाइस. इसका लुक्स जो है, इसका कंफर्ट लेवल, इसका स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस कैबिन है. टिपिकल होंडा स्टाइलिंग है. इंजन भी काफ़ी पावरफुल है. माइलेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा है. तो अगर आप मुझे पूछें तो अगर आप
कॉम्पैक्ट सीडान देख रहे हैं। इसका जो कंपटीशन है वो है हुंडई एक्सेंट। वोक्सवैगन का जो एमयू है वो फेज आउट हो चुका है। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द फोर्ड फिगो एस्पायर एंड यू हैव क्वाइट अ फ्यू कार्स इन द सेगमेंट। लेकिन अमेज, अगर आपको प्रीमियम कार चाहिए उस सेगमेंट में विच इज़ ऑल्सो हाई ऑन माइलेज, आई गेस यू शुड गो फॉर द होंडा अमेज।